सर आज कुछ विशेष बैठक किस चीज को लेकर? देखिए आज स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार केंद्र के तत्वाधान में, स्वामी जी के विचारधारा में आस्था रखने वाले सिवान के प्रमुख साथियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में लोगों ने एक मत से एनडीए के लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी जी को अपना भारी मत देकर विजय बनाने का निर्णय हुआ। आज की बैठक में एक बात यह भी स्पष्ट रूप से उभर के सामने आया कि विपक्ष के लोग एक झूठा अफवाह फैला रहे हैं, फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सवर्ण समाज है उसमें किसी तरह की नाराजगी है। दरअसल इस बैठक में इस बिंदु पर भी चर्चा की गई तो वक्ताओं ने जो बात कही उसके हिसाब से यह समाज शुरू से ही राष्ट्र धर्म के मुद्दे पे पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जो राष्ट्र की जो बहुमत की भावना है उसका इस समाज ने शुरू से सम्मान किया है और आज भी वह राष्ट्र धर्म वो बहुमत की बहुजन भावना जो है वो आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ है। इसलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती विचारधारा के जो भी साथी हैं वो आज उपस्थित थे, प्रमुख साथी, उसमें कई पंचायत प्रतिनिधि भी थे, मुखिया भी थे, कई अधिवक्तागण भी थे, मतलब हर वर्ग के लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने इस बात का जोरदार तरीके से पुरजोर विरोध किया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार केंद्र के विचारधारा के लोग वो कभी भी राष्ट्र धर्म के खिलाफ नहीं काम कर सकते हैं। आज भी वो राष्ट्र धर्म के पक्ष में और इस देश की जो बहुमत विचारधारा है उसके पक्ष में खड़े हैं, राष्ट्र के निर्माण में अपनी मजबूत भूमिका निभाते आए हैं और आगे भी निभाने के लिए श्रीमती विजया लक्ष्मी जी को एक बार फिर से यहाँ से बहुमत से, भारी मतों से विजयी बना के उनको लोकसभा में पहुँचाने का कृत संकल्प है और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। क्या लगता है, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? देखिए संख्या बल एक बहुत मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और भारी बहुमत के साथ। सर भुईयार समाज को लेकर ये भी परसेप्शन बनाया जा रहा था, क्या कुछ विचार हुआ, क्या कुछ इसमें निर्णय लिया गया? यहाँ सभी प्रमुख लोग इस जिले के हैं जो प्रतिनिधि हैं, वो भुमियार समाज के लोग हैं। जरा पूछ लीजिए, इन लोगों ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि विपक्षी पार्टियां किस तरह गलत अफवाह फैला के एक वैसे वर्ग को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है जो कभी भी समाज की मुख्य धारा से वो अलग हटकर, जो राष्ट्र धर्म है उससे अलग हटकर, जो बहुमत की बहुजन की आवाज़ है उससे अलग हटकर आज तक काम नहीं किया है समाज और आगे भी नहीं काम करेगा। बताशा के लिए मंदिर तोड़ने वाला यह समाज नहीं है। देखिए एक बात बता देते हैं, आज से 2 दशक पहले शिवानी नहीं पूरे बिहार में एक जातीय संघर्ष का उन्माद या दौर चला था, तो उस दौर में कई जगह हिंसक झड़पें हुई थी, कई विचारधाराओं का आपस में टकराव हुआ था और उसके जनक कौन थे यह भी लोग जानता है।
और आज भी वह विचारधारा चुनाव लड़ रहा है इस सिवान में। तो यहाँ के लोगों को यह निर्णय करना है कि उस विचारधारा को मदद करना चाहते हैं जो आज से दो दशक पहले इस प्रदेश में इस प्रदेश को जातीय दंगों में झोंक दिया, या उस व्यक्ति को मदद करना चाहते हैं जो आज से दो दशक पहले एक विचारधारा जिसके साथ वो थे उसको अलविदा कह के और समाज की मुख्य धारा, देश के निर्माण की मुख्य धारा में जो विचारधारा काम कर रही है उसके साथ जुड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं। तो वाराणसी समाज के दिमाग में कोई संदेह नहीं है, उनका इरादा साफ है और वो दो दिशा में नहीं चलते हैं, जब चलते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं और उनकी दिशा स्पष्ट है। जो अभी तक उनका इतिहास रहा है अन्याय के खिलाफ संघर्ष का, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का, राष्ट्र धर्म के पक्ष में, सर्वधर्म संभाव के पक्ष में, स्वामी सहजानंद सरस्वती और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो सिद्धांत रहा है, ब्रह्मर्षि समाज आज भी उसी सिद्धांत पर चल रहा है और आगे भी चलेगा, और उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी का होना जरूरी है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को ब्रह्मर्षि समाज अपनी पूरी ताकत देकर जो भी है उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएगा। पूरे देश में सिवान को आज से दो दशक पहले अपराध और शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार के चुनाव में शहाबुद्दीन को न टारगेट करके एनडीए उम्मीदवार के पति रमेश सिंह कुशवाहा जी को टारगेट किया जा रहा है उनके अतीत को लेके, इसके लिए क्या कहिए? कौन टारगेट कर रहे हैं जरा पता करिए। वही लोग टारगेट कर रहे हैं जो उस समय उस स्थिति के लिए जिम्मेवार थे, वही लोग टारगेट कर रहे हैं। और रमेश कुशवाहा जी को टारगेट करने, एक बात बताइए, आज आपके पास में प्रत्याशी हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा, आप लोग भी उपस्थित थे, कि आज से दो से अढ़ाई दशक हो गया, दो दशक हो गया उन्होंने उस विचारधारा को त्याग दिया। इसलिए नहीं विचारधारा को त्याग दिया कि इनको पता था कि हमको 2024 में एनडीए से टिकट मिलेगा, उस समय इनको नहीं पता था। इन्होंने स्पष्ट कहा कि वो विचारधारा जिसमें हिंसा का प्रवेश हो जाए उस विचारधारा को हम त्याग देना जरूरी समझते हैं, और उसी उद्देश्य से इन्होंने त्यागा है। लेकिन आज दो प्रत्याशी हैं, एक राष्ट्रीय जनता दल से हैं और एक मैडम हैं, क्या वो ये बताने की हिम्मत कर सकती हैं कि उन्होंने अपनी विचारधारा को त्याग दिया है और तब मैं चुनाव में आया हूँ? अगर ये हिम्मत है तो आप पूछ के देखिए, वो तो आज भी कहेंगी कि मैं उसी विचारधारा पर चुनाव लड़ूंगा या लड़ूंगी जिस विचारधारा पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या फिर हमारे पति स्वर्गीय शहाबुद्दीन चुनाव लड़ते थे। अगर उनमें हिम्मत है, इतनी ईमानदारी है, तो वो कह के दिखाए कि नहीं हम उस विचारधारा को गलत मानते हैं। जैसे उनका मानना है कि मेरा आरजेडी से अब कोई नाता नहीं रहा, अब कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, ठीक है, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं बोल रहे हैं, हम एक विचारधारा की बात बोल रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आए हैं, आज हमारे प्रत्याशी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आज से डेढ़ दो दशक पहले हमने उस विचारधारा को त्याग दिया क्योंकि इस विचारधारा में हिंसा का प्रवेश हो चुका था। इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? उस समय इनको नहीं पता था कि हमको एनडीए से चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो इन्होंने विचारधारा को त्यागा है, इन्होंने उस विचारधारा को अपनाया है जिसमें राष्ट्र धर्म का निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्र शक्ति का निर्माण होता है, जिसमें सर्वधर्म संभाव की का उसमें समावेश होता है, वैसे विचारधारा को इन्होंने ग्रहण किया है। और ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है और संकल्प लिया है कि इनको हर हाल में हम लोकसभा चुनाव में लोकसभा भेज कर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। जी, आज कुछ जो बैठक हुआ, किस चीज़ को लेकर बैठक हुआ और कितना आपको जनसमर्थन मिला? देखिए, हम बैठक में नहीं थे, अभी ब्रह्मर्षि समाज के लोग यहाँ हैं, शंभुनाथ सिन्हा जी हमारे मित्र हैं और ब्रह्मर्षि समाज के जिले के जितने प्रबुद्ध लोग हैं पूरब से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सब लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ। इस सब लोगों ने मिल करके निर्णय लिया कि भाई हम लोग पहले भी एनडीए थे, आज भी एनडीए हैं, आगे भी एनडीए रहेंगे। इस नाते यहाँ एनडीए की जो प्रत्याशी हैं मेरी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी, उनके साथ सब लोग खड़ा है, यही निर्णय हुआ और ये लोग खड़ा है और आगे मजबूती से और जो समाज कहीं इधर उधर होगा सबको गोलबंद करने में इनकी महती भूमिका होगी, निर्णायक भूमिका होगी।
जो ये परसेप्शन फैलाया जा रहा है राजपूत गुंजार को लेकर, आज कहने के आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, ये परसेप्शन को कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए ये कौन फैला रहा था, जो लोग अपराध के समर्थक रहे हैं ना, जो लोग आज वहीं खड़े हैं, असली धारा वही है, असली कल्चरल धारा वही है, तो उसी धारा में कुछ रहने वाले, आगे पीछे करने वाले, कुछ ठेकेदार तबके के लोग ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं। बल्कि असल में सवाल तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए था ना कि सिवान में बीजेपी का झंडा क्यों नहीं लगने दिया जाता था, दूसरे विपक्ष की पार्टियों को झंडा क्यों नहीं लगने दिया जाता था, झंडा लगाने के चलते ओमकार मल की हत्या क्यों कर दी गई, योगेंद्र पांडे थे यहाँ बैशाखी के, उनकी हत्या क्यों कर दी गई, या रामाश्रय बाबू जो सबसे सीनियर वकील थे उनके साथ बदतमीजी क्यों की गई, क्या सिवान की जनता नहीं जानती है? एक नहीं 100 से ऊपर हत्याएं हुई सिवान में, और आतंक का राज था, क्या उसके लिए वो परिवार क्षमा मांगेगा सिवान की जनता से? नहीं मांग सकता। और उसी धारा को संचालित आगे भी किया जा रहा है, वहाँ सब भू माफियाओं का जमावड़ा है, सब भू माफिया हैं, जिसके चलते आज भी सिवान में गाये बगाये घटनाएं घटती रहती है, हत्याएं होती रहती है उस जमीन के चलते। तो वहाँ तो वैसे ही लोगों का जखीड़, वहाँ पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, वहाँ जिनको रुपया कमाना है, पैसा कमाना है, अपनी दबंगई को बरकरार रखना है, जिनको AK-47 से बहुत प्यार है, वैसे ही लोगों का वहाँ जमावड़ा है। रमेश कुशवाहा तो गांधी के रास्ते पर आज से 2.5 दशक पहले चल पड़ा, आज तो हम गांधी को अपना आइकॉन मानते हैं, हम उसी दर्शन पर काम कर रहे हैं, उसी फिलॉसफी पर आगे बढ़ रहे हैं।